इस वक्त हमारे साथ आचार्य बालमुकुंद जी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बालमुकुंद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। और सवाल के साथ शुरुआत करूंगी। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप नॉनवेज की दुकान को जबरन बंद करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पूरी बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं आपको आपके द्वारा बताता हूँ। हम न नॉनवेज के खिलाफ है, न खाने वालों के खिलाफ है, न बेचने वालों के खिलाफ है। सबका अपना कर्म है, सबका अपना धर्म है। परहेज किनको है? परहेज उनको है जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, वहाँ पर वो आने जाने में असुविधा है। अवैध रूप से नॉनवेज की दुकानें रोड पर लगी है और एक नहीं हजारों की संख्या में लगी है, और वह गली मोहल्लों के कोने पे लगी है। तो माताओं बहनों को बच्चों को निकलने में असुविधा है, क्योंकि वहाँ अवशेष पड़े होते हैं और वहाँ खूंखार कुत्ते बैठे होते हैं और उन पर अटैक करते हैं। एक नंबर दो, बिना लाइसेंस के है रोड पर, वो खुले में बेच रहे हैं। नियम कहता है कि अंदर ढक्के पैक में वो काम होना चाहिए, ये ओपन में वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं। और ऐसा पूरी विधानसभाओं में, जयपुर की परकोटे में हो रहा है। आदर्श नगर चले जाएं, हसनपुरा एरिया सिविल लाइन चले जाएं, और आपके हवा महल में चले जाएं, और किशनपुर में चले जाएं, इन सभी जगह तेज गति से 5 साल से अवैध कारोबार, नशे के काम, नशेड़ियों का पार्कों में डेरा, ये चल रहा है। इससे माताओं बहनों को असुरक्षा हो रही है, उनके पर्स और चैन टूट रही है, और पार्कों में उनका जाना बंद हो गया है, बच्चों का खेलना बंद हो गया है। दूसरा, जगह जगह स्थानों के बाहर, मंदिरों के बाहर ये अपराकाशी है। जयपुर को अपराकाशी कहा है। इसको देखने घूमने देश विदेश के लोग आते हैं, पर्यटन आता है, पर्यटन आना बंद हो गया, जाम की तो है ही हाल खराब। साथ में इस प्रकार के काम होने पर वहाँ की छवि, वहाँ की फोटो खींचती है और पूरी दुनिया में जाती है, वहाँ की छवि खराब होती है। हम ये चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है उनको सुव्यवस्थित करें, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस के लिए कहे कि वो अप्लाई करें और नियम अनुरूप वो काम करें। हमें कतई आपत्ति नहीं है, नियम से कोई भी काम करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बनाए, बेचे, खाए, सबका अपना काम है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियम अनुरूप होना चाहिए। ये निवेदन अधिकारी को किया। 5 साल तक अधिकारी सोया हुआ था, 5 साल अधिकारी को जगाया। अधिकारी ने ये कहा जागने के बाद, मैं छुट्टी पर हूं, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक अधिकारी जिम्मेदारी से आए तो उन्होंने कहा ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता, सबके पास लाइसेंस है, नियम से है। तो हम मौके पर ले गए, और ले जाने के बाद जो माताएं बहनें हमारे पास शिकायत लेके आई थी और उनके बताए पॉइंट पर हम गए, तो वहां गए तो लाइसेंस पूछा 10-12 जगह, एक जगह भी नहीं मिला लाइसेंस। सब बिना लाइसेंस के रोड के ऊपर 40-50 फीट अतिक्रमण करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन बताइए किसके खिलाफ हूं मैं जी? आप ये कह रहे हैं कि आप पर आपके पास माताएं बहनें आई, उन्होंने आपको कहा उस जगह जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए, लाइसेंस आपने चेक किया, किसी के पास लाइसेंस नहीं था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद आरोप लगाया कि जिन दुकानों पर कार्रवाई की बात की गई वहां लाइसेंस थे। मेरी बहन, लाइव देखा है लोगों ने, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है ही नहीं किसी के पास। और ये बोला गया लाइसेंस 5 साल से अप्लाई कर रखा, आया नहीं, तो उसकी रसीद कहाँ है? वो भी नहीं है। कुल मिला के ये सारा प्रशासन और कुशासन, जो अधिकारी, ये मिली भगत से इस प्रकार के कई अनैतिक काम यहाँ पर पनप रहे थे, हो रहे थे, उनको सुव्यवस्थित करना है। रोजगार किसी का छीनना नहीं है, रोजगार करें, नियम अनुरूप करें, हमारे शहर की माहौल न खराब हो। पर्यटन हमारे यहाँ आता है, अध्यात्म पर्यटन आता है, यहाँ प्राचीन मंदिर गोविंद देव, ताड़केश्वर और कितने अनगिनत मंदिर है जिन पे लोगों का आवागमन रहता है, तो वहाँ का आसपास का जाने वालों को भी असुविधा होती है, और जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनका मन खराब होता है, उनका व्रत खराब होता है, उनका वहाँ देखने से उनको परेशानी होती है। तो हमने कहा नियम अनुरूप जो बना है कि छुपके या धक्के काम किया जाता है वो काम करो ना। बहुत से लोग कर रहे हैं, लाइसेंस वाले बहुत से लोग कर रहे हैं, और बिना लाइसेंस वाले ऐसा काम कर रहे हैं। हमने खाली उस बात को रखा है, वो भी अधिकारियों को चेता है कि आप उठ जाओ, 5 साल आप सोए थे, अब जग जाओ आप। तो नियम और कायदे में रहकर आप काम करवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो आप पर ये आरोप लगा रहा है ना कि आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। विपक्ष के पास में काम बचा नहीं है, इस समय डिलीट हो चुकी है सरकार, गहलूट की सरकार लूट के जा चुकी है, सोने के बिस्कुट सचिवालय में मिल चुके हैं, 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं, माता बहनों को सुरक्षा दे नहीं सके हैं, 5 साल 5 स्टार होटल में रह के, और यहाँ के राजस्थान का
देवतुल्य मतदाताओं का भविष्य बिगाड़ चुके हैं, इसलिए अब सब ने इनको डिलीट मारा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा परिवार पे सबका साथ सबका विश्वास जीतकर विकास में सहयोग किया, इसलिए बौखलाए हुए परेशान हैं और इसलिए वो विचलित होकर उठपटांग बात कर रहे हैं, वो स्वयं माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन आपका जब वीडियो वायरल हुआ, ऐसा होने वाला नहीं है जी, लेकिन आपका जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपने उसके बाद किसी जाति विशेष का बोल सफाई दी है मैंने कि मेरा किसी से विरोध नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है तो मैंने अपनी बात रखने का मेरा अधिकार है, मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा भी मैंने मांगी है, लेकिन अनैतिक काम, गलत काम, नशे पत्ते के काम, जिस प्रकार के काम में संलग्न है वो लोग, काम को बंद करने का हमारा जो हमारा आंदोलन है वो तो जारी रहेगा, उसको सिस्टमेटिकल कर दो, हम किसी के कोई खिलाफ नहीं है जी। लेकिन देखिए अभी राजस्थान में आपकी सरकार बनी नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी घटना सामने आई, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की वहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी संवेदनाएं हैं, मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, मेरे भी बहुत अच्छे परिचित थे, व्यक्तिगत मेरा उनका स्नेह था और वो सामाजिक संगठन के द्वारा सर्व समाज के लिए सेवा में हितकारी थे, निरंतर वो सेवा में उपस्थित रहते थे, सबके सुख दुख में काम आते थे। गोगा मेडी जी, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, जिन लोगों ने भी ये काम किया है, किस कारण से किया है वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये काम जो हुआ है वो निंदनीय है, उन लोगों को सजा होनी चाहिए, इसकी मांग हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपका किसी से विरोध नहीं है, कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे उस वायरल वीडियो के ऊपर एक बार फिर से, क्या कोई सफाई आप देना चाहेंगे एक बार फिर, या फिर जिस तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी सरकार में क्या होगा? पिछले पांच साल में इस प्रकार के कई काम पनपे हैं, नियम अनुरूप नहीं हुए हैं, उसको सिस्टम में लाने की आवश्यकता है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, कोई बैर नहीं, सारा हमारा परिवार है, मेरी विधानसभा के 2.5 लाख मतदाता मेरे परिवार है, बिना भेदभाव के सबका विकास होगा, सबको साथ लेके होगा, सबका विश्वास जीत के होगा, और जिस विश्वास के साथ, मोदी जी के विश्वास गारंटी के साथ हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं और आप लोगों के जनप्रतिनिधि के रूप में बीच उपस्थित हैं, हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, सबका सहयोग लेके करेंगे, और जो 5 साल कुशासन था और उनके अधिकारी थे जिन्होंने काम नहीं किया, उनको चेताने का काम हमने किया है भी, और मेरे को उम्मीद है कि सही रिजल्ट जल्दी आएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर बना हुआ है, और शायद इसी सवाल के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वहां पर वोटर्स ने आपको समर्थन भी दिया है आपकी पार्टी को, जब सरकार बनेगी तब कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे, क्या इसका कोई रोड मैप तैयार किया गया है? बिल्कुल रोड मैप तैयार है, जब हम संभालेंगे आपको नजर आएगा, अपने आप खुद ही कह देंगे कि हाँ सुव्यवस्थित हो गया है, अभी प्रकृति की दुर्दशा की हुई है, हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, हमारा नियम कायदे से शपथ होने के बाद हम पूर्णता लोगों के बीच जो काम करके दिखाएंगे, जो 5 साल में नहीं हुआ वो आपको कुछ महीनों में नजर आएगा, हमारा रिपोर्ट कार्ड आप बनाएंगे। ठीक है, आपका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जयपुर में कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने नहीं देंगे। गलत बात कही मैंने? आप किस बात के लिए हाँ या ना तो आप भी बताएं मुझे, आप ही सवाल कर रहे हैं, मेरे भी सवाल का आप जवाब दें, ये मैंने गलत बात कही है? आप उस वीडियो के जरिए क्या बिना लाइसेंस के, बिना कार्ड के, बहन जी बिना कार्ड के, बिना लाइसेंस के वो आदमी कहां से घुस के अंदर में आ गया है और वो रह रहा है यहाँ पर, उसने आईडी बनवा ली, वो राशन ले रहा है, गवर्नमेंट की सुविधाएं ले रहा है, इसको जांचना विषय नहीं है? क्या करेंगे आप अपनी जब सरकार वहां बनेगी, फिर क्या किया जाएगा इन लोगों के लिए? हमारे इससे संबंधित डिपार्टमेंट अधिकारी को पत्र लिखेंगे और जांच करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर उन लोगों का क्या होगा आगे, उनके लिए क्या सोचा गया है वो उसके बाद में आपको अपने आप पता चलेगा कि अवैध तरीके से यहाँ आने से क्या होता है। ठीक है, सरकार गठन, यहाँ के लोगों को तो सुविधा मिल नहीं पा रही है, बाहर के लोग आके सुविधा ले रहे हैं, ये लोग घुसे कैसे, ये भी तो जांचने का विषय है, ये आए किस रास्ते से, किन लोगों ने घुसने दिया इनको, तो आपकी यहाँ आके अवैध अतिक्रमण कर लिए, न्यूसेंस फैलाते हैं ये लोग, यही लोग चोरी चकारी इत्यादि करते, बदनाम हम लोग यहाँ के हो जाते हैं, इसलिए इनको तो लिस्टेड करना जरूरी है, हमारा अधिकार दूसरे लोग क्यों खा रहे हैं, बाहर के लोग कहां से कैसे चल के आ गए ये पता करना गलत बात थोड़ी ही है। तो क्या किया जाएगा आपकी सरकार में ऐसे लोगों के लिए?
अभी आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, निवेदन करेंगे, आपने बड़े आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कि उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वही लोग आके यहाँ पे इस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ न्यूज 18 पर रखने के लिए।